एबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जनपद सभागृह में ग्राम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई संपन्न। कोविड-19 कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों के सुझाव। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल एवं अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के आदेशानुसार खैरलांजी जनपद पंचायत सभागृह में 17 मई को विभागीय प्रमुख अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में ग्राम संकट प्रबंधन समूह की विशेष बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना महामारी की रोकथाम के उपाय के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र में संभावित एवं पॉजिटिव व्यक्तियों को पर्याप्त मेडिकल किट की उपलब्धता, उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर गठित स्वास्थ्य समिति के क्रियान्वयन, प्रवासी श्रमिकों को होम संस्थागत क्वारंटाइन करने की कार्यवाही, कोविड संभावित व्यक्तियों को फीवर क्लिनिक रेफर कर टेस्ट की कार्यवाही, गंभीर लक्षण वाले व्यक्तियों को कोविड अस्पताल रेफर करने संबंधी एवं विषयों पर प्रमुखता से चर्चा की गई। उक्त बैठक में विधायक प्रतिनिधि राजकुमार भेटवार द्वारा 18 से 44 वर्ष वर्ग वाले महिला पुरुषों का वैक्सीनेशन सेंटर बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी की तरह खैरलांजी मुख्यालय में खोलने की मांग की गई। वहीं सांसद प्रतिनिधि राकेश बनोटे द्वारा खैरलांजी मुख्यालय में 10 बेड का कोविड सेंटर खुलवाने की मांग की गई। ग्राम संकट प्रबंधन समूह में प्रमुख रूप से तहसीलदार उमरा सिंह वार्ले, नायब तहसीलदार सतीश चौधरी, खैरलांजी थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी, जनपद सीईओ श्रुति चौधरी, महिला बाल विकास विभाग प्रभारी पुष्पेंद्र रनाडे, विधायक प्रतिनिधि राजकुमार बहटवार, सांसद प्रतिनिधि राकेश बनोटे, जन अभियान परिषद प्रतिनिधि भुवन रहांगडाले, भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र शुक्ला, मानसी बहटवार, सीएचसी खैरलांजी प्रतिनिधि कमल नागपुरे, विक्की लिल्हारे, गोबरगोंदी सरपंच मधु भगत उपस्थित रहे। एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए खैरलांजी से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट। मैडम, जो आज आवश्यक बैठक रखी गई थी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के निर्देशन में, उसके बारे में बताएंगे। ये खंड स्तर पर ब्लॉक जो है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है ना, संकट प्रबंधन समिति, कोरोना के लिए संकट प्रबंधन समिति, उसकी बैठक आयोजित। मैडम, जो अभी विश्वव्यापी जो बीमारी चल रही कोरोना, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं आपके द्वारा? ग्राम पंचायत स्तर पर दो सर्वे दल बनाए हैं। दो सर्वे दल जो है, पहले सर्वे दल में रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, ये दल घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं कौन से ऐसे लोग हैं जो संभावित संक्रमित हैं, जिनको कोई भी लक्षण आ रहे हैं, सर्दी बुखार के इस प्रकार के अन्य लक्षण जो कोरोना संभावित संक्रमित मरीज हो सकते हैं। तो इन सभी लोगों को पहले ये इनकी सूची तैयार करते हैं। द्वितीय जो दल है प्राथमिकता, जिसमें सचिव भी हैं, ANM हैं, सुपरवाइजर हैं, वो दल इनकी इस सूची का परीक्षण करते हैं और सभी जो संभावित मरीज हैं उनको पहले से एक मेडिकल किट उपलब्ध करा देते हैं जो हमारे स्तर से तैयार की गई है। मैडम, जैसे 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन हो रहा है, कटंगी, वारासिवनी और बालाघाट को दिया गया, खैरलांजी को नहीं दिया गया, क्या आपके द्वारा जिले से इसके लिए मांग नहीं की गई? आज जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य का उपस्थित हुए हैं, उन्होंने इस बात की भी चर्चा की है, तो इस बात को हम कलेक्टर से तक पहुँचाएंगे। जनता, मैडम, जनता के नाम कोई संदेश? जनता से हम, मेरा एक ही अनुरोध है कि जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण है, अभी जो खैरलांजी ब्लॉक में हो रहा है 45 वर्ष से अधिक वालों का, 60 वर्ष से अधिक वालों का, उसमें अधिक से अधिक संख्या में जो है आप अपना जो है टीकाकरण लगवाएं। और टीकाकरण बिल्कुल सुरक्षित है, पहले टीकाकरण करवाने के बाद आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, वही जो हम आमतौर पर मेंटेन करते हैं, मास्क लगाना, लोगों से दूरी बना के रखना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, उसके बाद आप दूसरे टीकाकरण के बाद पूर्णतः सुरक्षित होते हैं, है ना। उसमें अगर संक्रमण हो भी जाता है किसी भी, तो आप बिल्कुल आराम से घर में निकल सकते हैं। तो
मेरा पूरी ख्याल आंटी की जनता से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में जो है। सर जो आज बैठक रखी गई थी जनपद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशन में, किस विषय पर चर्चा की गई? आज जो जनपद में बैठक रखी थी शासन स्तर की, तो आज उसमें जो कोविड महामारी जो चल रही है क्षेत्र में, उसकी रोकथाम के लिए बैठक रखी गई थी। आज जो हमारे क्षेत्र में कोविड के जो पेशेंट है उनको हम यहाँ तक कैसे लाए सेंटर में, जो जो अपने बुखार से पीड़ित है गांव में, और उनका सर्वे जो है अपने स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाया जा रहा है, और उनको वहां तक पीपीटी किट कैसे पहुंचाई जाए, और जो वैक्सीन है वैक्सीन लगाने की जो यानी बहुत सारी अफवाहें चल रही है क्षेत्र में, तो उस अफवाहों का को ख़त्म करते हुए उनको वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रहे, इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ जनपद में बैठक रखी गई। देखा गया सर, जैसे आप पूर्व जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी आप सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आपके द्वारा इस विश्वव्यापी कोरोना महामारी जो बीमारी फैली हुई है पूरे भारत देश में, तो आपके द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? नहीं, मैं जो है अपने जो अपने लोग हैं यहाँ क्षेत्र के हैं जिले के, उनसे उनको बिल्कुल सही दिशा निर्देश दे रहा हूँ कि भाई आप अपनी आप खुद को सुरक्षित करें, और इस महामारी का एक ही बचाव है कि आप मास्क लगाएं और खुद को घर में क्वारंटाइन करें, जो शासन की मंशा है और जो शासन के निर्देश आ रहे हैं उन निर्देश को आप फॉलो करें। सर आप जनता के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि अब कोरोना ख़त्म हो चुका है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें, अभी भी जो शासन की मंशा है और शासन की गाइडलाइन है उसका पालन करें, और अपने अपने को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें।